गिरफ्तार कर लो इसे। मैं गिरफ्तार हो गया हूं। महामंत्री की जय नहीं, आवाम की जय, भारत माता की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम ने अपने देश के हित के लिए राजगद्दी छोड़ दी और वनवास ले लिया, जबकि आज के नेताओं से कुर्सी भी नहीं छोड़ी जाती। यह मत कहो कि देश ने हमको क्या दिया, बल्कि ये सोचो कि हमने देश को क्या दिया। अरे अमर जीते रहो। ये अचानक चले आए ना, कोई तार ना चिट्ठी। बात यह है कि डाक तार सेवा का हिसाब किताब तो आप जानते हैं, मैंने सोचा कि तार से पहले मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। चलो घर चलें। बच्चों, अमर के आने की खुशी में तुम लोगों को आज छुट्टी। झूले बनवारी झूले बनवारी झूलाए राधा प्यारी। वाह वाह वाह। अरे आज अब जल्दी आ गए? बस यू ही। अरे छोड़ बबुआ, ये उंगलियां तो मेरी पाली हुई हैं। कब आए? अभी। सरस्वती, तुम्हारा बेटा दिल्ली जा रहा है। सच? सिर्फ मैं ही नहीं, आप दोनों भी चल रहे हैं। क्यों पिताजी? नहीं बेटे, मैं दिल्ली को मुंह नहीं दिखा सकता। बेटा, दिल्ली में दो तेरे पिता समान आदमी हैं, मोहनलाल और वैशत अंसारी। बस वही दो ईमानदार आदमी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद की छाव में रहना। आप बेटे को खाना भी खाने देंगे या दिल्ली में फंसे रहेंगे? ओहो बेटा, जब तो हुक्का भरता है बहुत अच्छा लगता है। पिताजी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लीजिए। लाओ। अरे अमर, वो जगरतन का बेटा कहाँ है आजकल? अरे श्रीमती सरस्वती देवी जी, अब जगरतन का नाम यूं मत लीजिएगा। क्यों? वो केंद्रीय मंत्री हो गया। हुआ करे, मेरे लिए तो सुरेंद्र का बाप है और बड़ा अच्छा आदमी है। मंत्री आदमी थोड़े होते हैं, मंत्री मंत्री होते हैं। फिर भाषण। अमर, ये सुरेंद्र है कहाँ? आगरे में, टेस्ट पायलट हो गया। और रफी?
रफीक बस वही चाल बेढंगी जो पहले थी अब भी है। फौज से तो निकाल दिया गया है, जाने क्या कर रहा होगा आजकल। सुना है दिल्ली में है। चारी ललाएं, मेरा मतलब सेठानी जी, असली हार हम ले जा रहे हैं और हूबहू ये नकली हार आपके पास छोड़ जाते हैं। आपको तो सिर्फ पहनना भरी है ना, पहचान भी नहीं पाएंगे। खुदा हाफिज। देख क्या रहा है रफीक। अबे रफीक के बच्चे। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे दिल्ली में पोस्टिंग हुई है, रिपोर्टिंग करने आया। तो हम भी दिल्ली में खो जाएंगे। यार तेरी गाड़ी बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है। काम भी वही है क्या? यार अल्लाह झूठ ना बुलवाए, उन छोटे मोटे कामों से तौबा कर लिए। तो आजकल क्या शुगल है? देख भाई, राजधानी में भेजा हो तो पैसे की कमी नहीं है, और हमारे पास तो भेजा हमेशा से सरप्लस था, आराम से गुजर रही है। वो तो देख ही रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लास गाड़ी और ये ब्यूटीफुल सूट। लगता है कि इमारत अजीम है। अरे यार इमारत कहाँ है, 6 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट है। तू मेरे साथ ही आके रहना। नहीं यार, पिताजी का हुक्म है कि मोहनलाल अंकल के यहाँ ठहरना, नहीं तो तेरे साथ जरूर ठहरता। ए मोहनलाल अंकल, ये वो अखबारों के टाइकून अपने घेरे से बाहर है। ये ले, ये है मेरा कार्ड, ये रहा ऑफिस का टेलीफोन और ये घर का। अंग्रेजी में? यार तू चलना यार, मैं तो छोड़ देता हूँ। बस यार रिपोर्टिंग वहां तेरे साथ। आपका नाम? अमर कुमार, मिस्टर अमर कुमार। पिता का नाम यानी बाप का नाम? श्री राम कुमार। किसे मिलना है? तुमसे। क्यों? तुम्हारे दोनों कानों में सर करने के लिए। कुकी? कौन है कुकी? वही जानने की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अभी लड़की नहीं देखी है क्या? कुकी देखी है लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं देखी। ओ आई सी। क्या बुआ, ये तो बेटा को लफ होने लगे। कुकी आप दोनों का परिचय करा दो। हाँ हाँ जरूर करा दो। ये है श्री अमर कुमार, सुपुत्र श्री राम कुमार, और ये है मेरी प्यारी और ओनली बुआ सुषमा आंटी। और लगता है दोनों को एक दूसरे से मिलकर खुशी भी हुई। आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ हाँ लेकिन इस वक्त नहीं। तो फिर चलिए अंदर। धनीराम
साहब का सामान अंदर रख दो, आइए। मेरा पैड तो खोल। वाह वाह, क्या हलवा है भाई। भारत के संविधान में 1000 संशोधन हो सकता है। संशोधन समझे? अमेंडमेंट। यू मीन तब्दीली? तब्दीली। लेकिन सरस्वती भाभी के हलवे के स्वाद में कोई संशोधन नहीं हो सकता। 1000 हलवों में पहचान सकता हूं मैं। अरे मगर तेरा बाप मलाई की बर्फ की तरह गांव में ही जम गया, आता ही नहीं है? उनका यह कहना है कि दिल्ली नगरी अब अंधेर नगरी हो गई है। यहाँ पर रिश्वतदार की हुकूमत चलती है। अगर आप और वैशत अंकल ना होते तो हो सकता था वो मुझे यहाँ आने भी ना देते। कौन वैशत? भाई वो तो राम कुमार का मुस्लिम वर्जन है, कोई कम पागल नहीं है वो। जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है जो इस महफिल में है। सलाम अंकल। जीते रहो। हालांकि दुनिया सचमुच जीने के लायक रही तो नहीं, फिर भी जीते हो। अरे सूरत कड़वी है, कम से कम बात तो मीठी कर लिया करो। अरे सच्चाई कड़वी होती है मेरे दोस्त। अच्छा मित्र बताओ ये कौन है? अरे गले लग जा बेटे, तू राम कुमार का बेटा है ना? अरे कमाल है। अरे वैशत तुमने कैसे पहचाना इसे? अरे इसमें राम कुमार की खून की खुशबू है बेटा। मैं तेरा चचा हूँ वैशत। आदाब। जी तरह बड़े में राम कुमार कैसे हैं? मजे में, आप लोगों को बहुत याद करते हैं। हाँ क्या याद करते हैं, कभी आता तो है नहीं कम वक्त। वैशत मित्र ये फौज में कप्तान हो गया है। अरे बड़ी अच्छी बात है बेटे, हम लोग फौज में थे तो नहीं लेकिन गोलियां खूब चलाई हम लोगों ने। भाई मित्र सोचता हूँ इसे जगरतन के पास भेज कर कोई अच्छी सी जगह पे इसकी पोस्टिंग हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। सुनो ये जोड़ी भी बहुत अच्छी है। जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात की। मजाक नहीं, सच बोलता हूँ और कान में बताता हूँ। और मैं वही प्रेमा। नो होमवर्क इन दी ऑफिस, लंच टाइम था वो। और मैं स्वीट डिश खाने चला आया था। स्वीट डिश? स्वीट डिश वो क्या वो? अच्छा, he understands, you know? इनसे मिलिए, ये है मिस प्रेमा दारूवाला। दारू का तो मुझे भी शौक नहीं। इनसे मजाक मत करना, ये मेरी डैडी की सबसे पर्सनल और ट्रस्टेड सेक्रेटरी हैं। हेलो। और इन्हें मैं जानती नहीं। ये त्रिलोकी प्रसाद है, टीपी मेरे वो बॉयफ्रेंड। यस। वो तो मैं समझ गई थी, लेकिन प्रेमा नो होमवर्क इन दी ऑफिस। हाँ ये तो स्वीट डिश खाने आए थे। हाँ बस मैं खाने वाला था कि आप लोग। कैरी ऑन कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। चले गए। नैनी जेल से निकलने के बाद की तस्वीर है ये। हम तीनों क्रांतिकारी दोस्त एक साथ पकड़े गए, एक साथ जेल में रहे, और चूंकि हम भगत सिंह की पार्टी वाले थे शायद एक साथ फांसी भी हो जाती, लेकिन इस दरमियान वतन आजाद हो गया और हम छूट गए। इस तरह आजादी ने हम तीनों दोस्तों को अलग कर दिया। तुम्हारे बाप ने आजादी से कोई भी फायदा उठाने से इनकार कर दिया और गांव चला गया, लेकिन तुम्हारे बाप ने फायदा जरूर उठाया। उसने आजादी की राह में दी हुई कुर्बानियों को व्यापार में बदल दिया, बड़ा आदमी बन गया। और रह गया मैं, आधा उधर आधा इधर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खींचातानी में बीच से टूट गया। आधी लाश उधर पड़ी है, आधी इधर। दादाजी एक बात पूछूं? अवश्य पूछिए। आपको ये अमर अंकल कैसे लगे? क्यों? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। फिर क्या, आपका काम तो आसान हो गया। कौन सा काम पुत्र? कहिए तो सुषमा बुआ के लिए बात चलाऊं। तुम? और क्या। हाँ चलाओ चलाओ। Thank you.
ये नहीं काम हो जाएगा हम जो हैं है? ओके अरे आओ आओ मोहल्लत आओ जगरतन जी मैंने आपको फोन किया था ना तो ये रहे कैप्टन अमर कुमार अपने राम कुमार के सुपुत्र नमस्कार अरे रे 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 ये तो बड़ा गबरू जवान निकला भाई राम कुमार जी कैसे हैं अच्छे हैं और सरस्वती भाभी वो भी अच्छी हैं भाई जगरतन जी आप इन्हें अपना पीए क्यों नहीं बना लेते भाई अपना लड़का है अपने पास रहेगा इनसे पूछ लो कोई एतराज तो नहीं है भला मुझे क्या एतराज हो सकता अंकल तो ठीक है फिर आज से तुम हमारे पीए हुए थैंक यू वेरी मच आजकल सुरेंद्र कहाँ है आगरा में टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है वैसे आता जाता रहता है अंकल चलता हूँ मुझे हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करनी है ओके हाँ भाई तो और सुनाओ मोहनलाल सुनाना क्या है संभालो अपना हिस्सा 25 लाख रुपए हैं वो स्विट्जरलैंड का क्या हुआ फोन कर दिया वहां पर भी काम हो जाएगा अच्छा जगरतन जी हम चलते हैं हमारे सुपर हंटर्स का क्या हुआ ओहो वासुदेवन को कागज भेज दिए हैं उसकी सिफारिश आते ही ऑर्डर कर दूंगा लेकिन जरा जल्दी हाँ डोंट वरी अरे जल्दी आ गए हाँ ये देना था रुपया है 25 लाख के रख लो 25 लाख के 30 लाख है तो बेमानी भगवान से डरो एक ही एक बेटा है ये जहर क्यों लाते हो घर में पैसा चाहे ईमानदारी का हो चाहे बेईमानी का पैसा पैसा ही होता है वो कभी जहर नहीं होता श्रीमती दुर्गा देवी जी होता है बेईमानी का रुपया हमेशा जहर होता है और ईमानदारी का जहर भी अमृत होता है ईमानदारी करके देख चुका हूं कोई फायदा नहीं होता अरे भगवान पैसा बहुत बलवान होता है वो सब कुछ खरीद सकता है इंसान भी और भगवान भी कुछ भी कहो मैं तो इसे जहर ही कहूंगी और एक बात और सुन लो मंत्री जी जहर कभी पचता नहीं तुम तो हैरान हो गए तुम्हें बॉर्डर से एकदम यहां क्यों बुलाया गया हैरान की तो ही सर सर्टेनली मैंने ही बुलाया क्यों मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो क्या कह रहे हैं सर ठीक कह रहा हूं
देश की हालत तो तुमसे छुपी नहीं है। दुनिया की कई ताकतें हमारे मुल्क को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं, और इस साजिश में हमारे देश के कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। मगर फौज का इससे क्या ताल्लुक है सर? यही तो रोना है। वतन के दुश्मन हमारी फौज में इस हद तक घुस गए हैं क्या हमारे भेद बेच रहे हैं, और तो और डिफेंस सीक्रेट्स की तिजारत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एटॉमिक एनर्जी के अंडर सेक्रेटरी अग्रवाल पे हमें शक हो गया, हम उसकी निगरानी करने लगे। एक रात ऑफिस बंद होने के बाद पोस्टिंग तो बॉम्बे की हुई है यार, तुम्हारा लगी है बॉम्बे तो किशन वाले को पोस्टिंग मिलती है यार, फिर इसी खुशी में पार्टी हो जाए। ओके डन डन। गिरफ्तार कर लो इसे। मैं गिरफ्तार हो गया हूं। मरने वाले के पास से कुछ मिला? नहीं कुछ नहीं मिला, सब कुछ जल गया था। बस एक अंगूठी मिली जो मरने वाले की तीसरी उंगली में थी। क्या मैं वो अंगूठी देख सकता हूं? यह है वो अंगूठी। सर ये 14 नंबर क्या है? शाबाश, यू गॉट द पॉइंट। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि ये अंगूठी एक ऐसे जासूसी गिरोह की निशानी है जिसमें कम से कम 14 आदमी तो हैं ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कौन है? कौन है वो? प्रिय मित्र जनों, जब से हमारा नंबर 14 पकड़ा गया है और सौभाग्य से उसने आत्महत्या कर ली है, तब से मैं इस छानबीन में लगा था कि अग्रवाल जैसा चतुर व्यक्ति पकड़ा कैसे गया। तो पता ये चला कि उसके पकड़े जाने में हमारे ही एक साथी की मूर्खता का हाथ था। उसके मुंह से अनजाने में एक ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। तो मित्रजनों बताइए, हमारे इस मूर्ख साथी को क्या सजा दी जाए? मौत, 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 मौत। मुझे माफ कर दीजिएगा रिंगमास्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे मालूम है मेरी ही गलती की वजह से नंबर 14 की जान गई है। मुझे माफ कर दीजिएगा, एक मौका और दे दीजिएगा रिंगमास्टर साहब, एक मौका और। बैठ जाओ मित्र, बैठो। ये नंबर 8 जो है मित्रों, ये हमारे पुराने मित्र हैं, सहयोगी भी हैं, और आगे चलकर यही हमारे शिक्षा मंत्री भी बनने वाले थे। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि इन्हें केवल यह दंड दिया जाए कि वो अंगूठी इनके पास से वापस ले ली जाए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच। दयाल, दयाल इनको आराम से पहुंचा दो। हैं? शाबाश, चल। दयाल, नंबर 8 को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना पुत्र? बिल्कुल नहीं सर। फिर ठीक है। मतलब यह है मित्रों कि सरकार के लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं और हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए आवश्यक यह हो गया है कि हम सब
सावधान रहें, अर्थात आंखें खुली और कान चौकन्ने। शिव कुमार जी, ये नंबर 14 की जगह कौन आया है? कोई ठाकुर है, मैं उससे बात करने ही वाला हूं। केवल बात नहीं, खरीद लो उसे। मैंने तुम्हें इस काम के लिए यूं चुना ठाकुर कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ काम करते थे, सोचा तुम अपने हो, क्यों ना तुम्हारा फायदा करा दो। मगर जनरल साहब, रिटायर्ड जनरल कहो, वो जो भी है ये तो सरासर बेईमानी भी हुई और गद्दारी भी। शब्दों के चक्कर में ना पड़ो ठाकुर, सोचो कि सरकार कभी तुम्हें इतने रुपए एक साथ कभी नहीं दे सकती। हाँ, अगर तुम्हें अमीर होना बुरा लगता हो तो रहने दो, वैसे ईमानदारी में कुछ रखा नहीं ठाकुर, वरना उंगलियों पर गिनकर बता दो कि देश में ईमानदार हैं कितने। ठीक ही तो कह रहे हैं जनरल साहब। रिटायर्ड जनरल कहो। थैंक यू। वैसे इन्हें करना क्या होगा? कुछ नहीं, एक दो फाइलों की फोटोकॉपी निकालनी है, हर कॉपी के साथ 10,000 रुपया। ये पेश की। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। इनकी तरफ से मैं हाँ कहती हूँ। मित्रों, आज हम अपने बीच अपने नए मित्र ठाकुर सूर्यभान सिंह का स्वागत करते हैं, जो नंबर 14 की कुर्सी पर विराजमान हैं। हाँ तो मित्र नंबर 14, आपके नाम का पन्ना इस लाल फाइल में खुल गया है। अब आप जो जो कार्य करेंगे उसकी संपूर्ण रिपोर्ट इस लाल फाइल में आती रहेगी, और इस गिरोह में आने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, जो बहुत जल्द संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करने वाला है। हाँ तो नंबर 14, आपका पहला कार्य यह होगा कि आपके विभाग में टॉप सीक्रेट अलमारी के निचले खाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो फिल्म है वो आपको हमें हमारे विदेशी मित्रों के लिए लानी होगी। ला दूंगा रिंग मास्टर। शाबाश। चलिए मित्र नंबर 3, पिछले 6 महीनों का ब्यौरा अर्थात रिपोर्ट दीजिए। केंद्रीय सरकार के विदेश एटॉमिक विभागों से नक्शे, प्लान्स और आंकड़े वगैरह खरीदे, पिछले 6 महीनों में 1,97,00,000 खर्च हुए हैं, उसका रिपोर्ट यह है। देश के मुख्तलिफ हिस्सों में कम्युनल यानी मजहबी दंगे फिसाद और तोड़फोड़ में 8,84,07,720 खर्च हुए हैं, यह है नंबर 4 और 7 की रिपोर्टिंग। कई प्रदेशों में जाति, भाषा, देशी और विदेशियों में झगड़े कराने और तनाव पैदा कराने में 3,39,00,000 रुपए खर्च हुए हैं, यह रिपोर्ट 5, 6, 9 और 13 का है। अलबत्ता आतंकवाद प्रोजेक्ट के अंदाज से ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में हथियारों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसके लिए हमें फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को स्पेशल फंड्स के लिए लिखना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, क्योंकि हमारे कामों पर देखरेख रखने के लिए फ्रेंड्स ऑफ इंडिया यानी हमारे विदेशी मित्रों की प्रतिनिधि प्रिंसेस सलोमी स्वयं भारत पधार चुकी हैं। Thank you.
स्वागतम, वेलकम प्रिंसेस, वेलकम प्रिंसेस सलोमी, वेलकम वेलकम। मैं रिंग की तरफ से तुम्हारा हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिंसेस सलोमी, आई वेलकम यू। थैंक यू। फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मैं फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं लाई हूं, और वो भी बक्सा भर के। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में कोई ईमान इतना महंगा नहीं जो इस दौलत से ना खरीदा जा सके, तो खरीद लीजिए अपने हिंदुस्तान को और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की मदद से बन जाइए हिंदुस्तान के मालिक। रिंग लीडर मोहनलाल महामंत्री और आप सब इनकी पार्लियामेंट के सदस्य या मंत्रीगण। प्रिंसेस, हम और हमारे सभी साथी आभारी हैं तुम्हारे और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के, जिनके सहयोग के बिना हमारे सपने कभी साकार नहीं हो सकते थे। वो तो ठीक है, पर मेरे यहाँ आने के दो मकसद हैं। नंबर एक, आप लोगों के काम की देखरेख कर सकूं, और नंबर दो, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो इतने बड़े पैमाने पर आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपके महामंत्री बन जाने पर उन्हें क्या मिलेगा? सब कुछ तुम्हारा है जी, जो चाहो ले जाओ, बस एक कुर्सी हमारे लिए छोड़ दो और चाहो तो एग्रीमेंट भी लिखवा लो हमसे। वो तो खैर हम करा लेंगे, मगर इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा डेलीगेशन हिंदुस्तान आ गया है, इसीलिए सुपर हंटर्स के बारे में कुछ करना होगा और जल्दी। देखिए श्रीमान, हमें लड़ाकू जहाज तो लेने हैं, पर कौन से फाइटर प्लेन्स लेने हैं इस बात का फैसला तो एयर चीफ मार्शल वासुदेवन ही कर सकते हैं। सर, मैं आपको अपनी रिपोर्ट बहुत ही जल्द सबमिट करा दूंगा। बात यह है जेंटलमैन कि हमको जहाज तो एक ही किस्म का खरीदना है, और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है। Ours is undoubtedly the best. ये बात तो है वासुदेवन। क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ बंधु? आइए आइए मोहनलाल जी। ओ हेलो प्रिंसेस, वेलकम। कल रात आपने बहुत अच्छा डांस किया भाई। हाय जॉर्ज। हाय प्रिंसेस, नाइस टू सी यू। अरे आप तो एक दूसरे के दोस्त निकले। और क्यों ना निकले जगरतन जी, मेरी तरह ये भी हिंदुस्तान के दोस्त हैं। सरकारी मामले में कोई सिफारिश तो कर नहीं सकता, फिर भी जॉर्ज मेरे पुराने दोस्त हैं। समझ गया प्रिंसेस, समझ गया। मिस्टर वासुदेवन सर, आप तो ये काम करना ही पड़ेगा भाई। ओके सर, आई डू माय बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस, माफ कीजिएगा, मुझे अभी जाना पड़ेगा, महामंत्री जी ने बुलाया है। एक्सक्यूज मी अमर, टेक केयर ऑफ देम। कमाल है, आपको मेरे हवाले तो छोड़ गए लेकिन इंट्रोडक्शन भी नहीं करा है। मेरा नाम अमर कुमार है, कैप्टन अमर कुमार। नाइस टू मीट यू कैप्टन, आई एम प्रिंसेस सलोमी। भला कौन नहीं जानता आपको। यह अंगूठी तो बहुत खूबसूरत और कीमती होगी, जरा संभाल के रखिएगा कहीं चोरी ना हो जाए। यहां चोरी करेगा रफीक? अरे कमबख्त, खूबसूरती चोरी के लिए नहीं, इबादत के लिए होती है, मोहब्बत करने के लिए होती है। सैयद रफीक जाफरी, पतली गली से निकल जाओ। चोरी करने आए थे मियां, यहां तो खुद पे ही डाका पड़ गया। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौंदे। चलते हैं खानम, मगर ये दिल आपके लिए तड़पता रहेगा, इसलिए यही छोड़ जाते हैं। Thank you.
देखें, अल्लाह कब रूबरू कराता है। आदाब चची जान। जीती रहो बेटी, आओ आओ। भैया अभी तक नहीं आए? अरे मेरी शामत थी कि आज के दिन नहीं आता। ले बहना, बांधे राखी। अच्छा हाँ, और जल्दी बांध, चने की दाल की खिचड़ी बनाइए तुम दोनों की। खिचड़ी? हाँ। अरे वाह, चलो बैठो। आपको मेरी उम्र लग जाए भैया। नहीं शबनम, आज का दिन भाई के लेने का नहीं, कुछ देने का दिन होता है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कितना खूबसूरत लिखा है, है ना? अल्लाह आपकी हिफाजत करे। और मेरी बहन की भी। आओ बच्चों, खिचड़ी खा लो। चलो शबनम, खिचड़ी खाते हैं। अकेले नहीं भाई। अमर, व्हाट अ सरप्राइज। शबनम से मिलो, मेरी राखी बहन। आदाब। शबनम, ये है मेरे बचपन का दोस्त अमर। डैडी को फंसाकर उनका पीए हो गया है, मुफ्त की तनख्वाह उड़ाता है और ऊपर से अफसरी रोब भी जमाता है। यू बिलीव इन? कैप्टन साहब, आपसे कोई मिलने आया है। एक मिनट। ओके कम। अमा यार, तुम दिल्ली के आए, खत भी ना भेजा रसीद का। अबे बच्चे, एक आध फोन ही कर दिया होता। क्या यार, थोड़ा सा बिजी हो गया था। क्या क्यों उस्ताद, तुमने आधे ही चक्कर चला दिया। मैंने देखा सुषमा जी को, नहायत ही देखने की चीज है। मगर तू कार्टून क्यों बना हुआ है, सर्कस से आ रहा है क्या? तौबा तौबा कर यार, आज ईद का दिन है, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो भाई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सुषमा जी। सुरेंद्र, देखो ना। अरे रफीक, अमर बेरंग लिफाफे की तरह आ जाता है, जिसे एक रुपया देकर छुड़ाना पड़ता अबे है। अबे ओए कमबख्त, गले तो मिल ले, आज ईद भी है। अरे ईद मुबारक। कैसी हैं आप चची? जी तेरे बेटे। शबनम, ये है सैयद मोहम्मद रफीक जाफरी चोर। हाँ, चोर इनका तकल्लुस है। बड़े बड़े मुशायरों में ये चोर सहारनपुरी के नाम से अपना कलाम पढ़ते हैं। रफीक मियां, एक शेर हो जाए। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। शेर आपकी नजर। चोर उसके घर गए थे लूटने, चोर उसके घर गए थे लूटने, पर उसी ने जेब काटी दिल लिया। वाह क्या बात, क्या शेर है। वाह वाह, आदम आदम क्या है। अमर आपको हुई? अमर, ओहो रफीक, तुम भी यही हो? आदाब चाचा जान। किधर हो? हेलो सनी, व्हेन डिड यू कम? दिस मॉर्निंग दैट। गुड, वेरी गुड। आदाब चाचा जान। किधर हो बेटी? अमर। यस सर। कम हियर। देखो, आज आर्मी डे पर मैंने पार्टी रखी है, फॉरेन डेलीगेशन को बुलाया है, उनका जरा ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गुड। देखो भाई, आप सब के सब आज रात पार्टी में आ रहे हैं, बेटी तुम भी और रफीक तुम भी। जी हाँ, सब आ रहे हैं तो मैं भी आ रहा हूँ। सबके साथ अमर, तुम मेरे साथ आओ। आ बैठ, खिचड़ी खा, देना। चाची जान, मैं चलती हूँ अस्पताल के लिए, बहुत देर हो गई है। अस्पताल? अमा आप तो सचमुच की डॉक्टर हैं, मैं तो समझा था कोई पीएचडी वीएचडी होंगी। किस अस्पताल में हैं आप? गांधी हॉस्पिटल। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं भी उसी तरफ ही जा रही हूँ। चाची जान, मैं छोड़ दूं ने? हाँ हाँ हाँ, तो आई ना। खुदा हाफिज। अच्छा भैया, तो आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, क्यों? नहीं, इस बात पे एक शेर कहा है, जब सुना वो है डॉक्टर। मुलाहिज़ा हो? जब सुना वो है डॉक्टर, दिल ये बोला पड़िए अब बीमार तो। आप तो जेटेट से भी आगे निकल गए। क्या है कि 21st century है मैडम, 21वीं सदी। जनाब, ये हमारी पहली मुलाकात है। दूसरी मुलाकात। लीजिए, आपका शफाखाना आ गया। जी शुक्रिया। ज़हे नसीब। आदा, अरे हाँ, आपने तो बताया नहीं हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। जी वो शाम को बताऊंगा। क्यों? इस बहाने आप शाम तक मेरे बारे में सोचती तो रहेंगी।
अगर आप इजाजत दे तो शाम को मैं आपको लेने आ जाऊं, मेरा मतलब पिकअप जी, तब पहली मुलाकात की रुदात भी सुना दूंगा। जी मैं जी वो जरूर आइएगा, मेरा एड्रेस है जी वो मुझे मालूम है। वो कैसे? वो भी शाम को बताऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गोरी सोए सेज पर धारे मुख पर केस, चल खुसरो घरे आपने सांझ भाई चौंतीस। हाय अल्लाह। जी अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली, मेरा मतलब हमारी सुन ली, बात बन गई। सुनिए जी, जरा हुड तो चढ़ाइए। जी वो चलता नहीं है। जी जी गाड़ी तो रुकती है ना? जी हाँ, रोक के देखता हूँ। जी अरे अरे आइए लाइए हाथ हम जी। आप ये हाथ मजबूती से पकड़े रहिए, समझ रही है ना आप? मसला तय हो गया। आइए Thank you.
गुड हाँ सुनो इस प्रिंसेस पर नजर रखना अपनी तरफ से या तुम्हारी तरफ से हम दोनों की तरफ से हेलो थैंक यू ले आए जी हाँ लाओ मैं खुला एक्सचेंज किए हैं बाथरूम में हेलो प्रिंसेस आज आपने बहुत अच्छा गाना गाया थैंक यू सो मच मजा आ गया थैंक यू ओ सॉरी एक्सक्यूज मी प्रिंसेस क्या गाना गाया आपने थैंक यू बहुत मजा आ गया क्या आवाज है आपकी भी रियली एंजॉयड आपका बैग थैंक यू कैप्टन लेट्स गो अंगूठी की वजह से सलोमी पे शक तो मुझे पहले से ही हो गया था कल रात बैग बदलने के बाद वो शक यकीन में बदल गया यू आर डूइंग वेल बरखुरदार सलोमी कहाँ है अशोका होटल मैं चाहता हूं कि उसके कमरे की तलाशी ली व्हाई नॉट अरेस्ट गिरफ्तार कर लिया जाए उसे गिरफ्तार करके क्या मिलेगा और हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है और वैसे भी तो हमें पूरे गिरोह को गिरफ्तार करना है तुम उसके कमरे की तलाशी ले लो हो सकता है रिंग मास्टर का कोई सुराग मिल जाए सलोमी के कमरे की तलाशी या गुड मॉर्निंग प्रिंस मॉर्निंग गोइंग आउट यस प्लीज होल्ड ऑन आई कॉल इट क्या सर रफीक ने पूरे कमरे की तलाशी ली कुछ नहीं मिला अजीब बात है कुछ नहीं मिला कर्नल साहब एक अजीब सी घड़ी मिली है वो एंटीक पीस था ना इसलिए मैं उठा लाया वैसे आपके काम की तो है नहीं देखो तो देखो बाज नहीं आएंगे आप हाँ
पांडे। यस सर। देखो तो ये क्या चीज है, बाहर से तो घड़ी लगती है लेकिन मुझे यकीन नहीं ये घड़ी नहीं है। क्यों सर, वाह। ये लो। आमतौर पर लोग घड़ी कमरे में छोड़कर नहीं जाते, हाथ पे बांधते हैं, और ये लेडीज वॉच भी नहीं है। इट्स अ पॉइंट, यस। क्या यार, ये एक ट्रांसमीटर है सर। मेरा शक ठीक निकला। इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए। थैंक यू बांडे। वेलकम सर। एक रिसीवर मेरे कमरे में इसी कैरियर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दो। ओके सर। और एक टेप रिकॉर्डर। ऑल राइट। आओ अमर। हाय मिस्टर शिव कुमार। हाय। क्या खबर लाए? खबर अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एयर मार्शल वासुदेवन ने सुपर हंटर्स नापास कर दिया है। और जगरतन? जगरतन उसमें कुछ नहीं कर सका। वासुदेवन एक टेढ़ा आदमी है और ईमानदार भी, अपने जीते जी सुपर हंटर्स लेने नहीं देगा। ये रही उसके रिपोर्ट की फोटोकॉपी। ये घड़ी वापस रखनी होगी। तो क्या वहां फिर जाना होगा? बिल्कुल जाना होगा। अगर ये ट्रांसमीटर वहां वापस न रखा गया तो उस पर होने वाली बातचीत हम कैसे सुन पाएंगे? अगर उन लोगों को पता चल जाए कि ट्रांसमीटर गायब हो गया है तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे और तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन इस काम के लिए तुम नहीं जाओगे रफीक। तो क्या करना चाहिए? हाई कमांड को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। मैंने तो कल ही हाई कमांड को ये खबर दे दी थी कि वासुदेवन गड़बड़ कर रहा है। आज 4 बजे जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है, 4:10 बाकी है, इंतजार कर लेते। एक्सक्यूज मी, यस। गुड आफ्टरनून प्रिंसेस, फूल बदलने थे, फिर किसी वक्त आना। देखो 4 मिनट में बदल सकती हूँ तो बदल दो। थैंक यू प्रिंसेस, मेरा काम तो 1 मिनट का है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हो गया? मेरा काम तो हो गया। थैंक यू प्रिंसेस। काम हुआ? जी हाँ, हो गया। मुझे नहीं मालूम आप लोग ये काम कैसे कर लेते हैं, मेरा तो इंतकाल हो गया था। कैसी बात करती हूँ। अच्छा, घड़ी तो रख दी ना? हाँ, रख दी। चल 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 चल। Sparring speaking over. Friends of India speaking over. We are listening over. Bird One के बारे में तुम्हारी रिपोर्ट पर सोचा गया। Over. करना क्या चाहिए? Over. Bird One उड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके पर काट दो, मगर निशाना चूकना नहीं चाहिए। Over and all. Mr. Shiv Kumar. Yes. ये बर्ड वन को हटाया कैसे जाए? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, कल मैक्स 25 की टेस्ट फ्लाइट है, वासुदेवन उस पर जरूर जाएगा। क्यों? उसे जहाजों का खफ्त है, हर टेस्ट फ्लाइट पर खुद जाता है। तो जहाज का बंदोबस्त हो जाएगा। या, या। मॉर्निंग सर। नमस्कार। प्लीज। प्लीज सर। सर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता भाई? सरकारी काम होता तो तुम्हें बुला लेता,
अपना काम था इसलिए खुद चला आया। फरमाइए सर, हुक्म क्या है? वासुदेवन, सुरेंद्र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो हमारा फ्यूचर एयर मार्शल है सर, बेहतरीन ऑफिसर, बेहतरीन पायलट, अब तो वो टेस्ट पायलट भी हो गया सर। वही बात तो करने आया हूँ वासुदेवन, दरअसल वो चाहता है कि मैं तुमसे ये कहूं कि तुम उसे मैक्स 25 की टेस्ट फ्लाइट पे भेज दो। मैक्स 25? इस फ्लाइट पे तो मैं खुद ही जा रहा था, लेकिन आप कहते तो उसी को भेज देते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। बस आधे घंटे में आपका बेटा मैक्स 25 की टेस्ट फ्लाइट पर जाएगा। थैंक यू डैड। अरे मम्मी, मम्मी 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 मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, क्या कमाल का जहाज है। शबनम, जानती हो अड़ोस पड़ोस में इसके मुकाबले का एक भी जहाज नहीं है। लेकिन मेरी नाक पर क्यों बमबारी कर रहे हैं? सॉरी, एक्साइटमेंट यू नो। लेकिन इस जहाज को पहले कभी किसी ने नहीं उड़ाया। व्हाट मदर, जब तक आपका बेटा नहीं उड़ाएगा ये जहाज उड़ सकता है क्या? गुड बाय। ये लो। क्या? तुम कहते थे ना कि रुपया सब कुछ खरीद सकता है, इंसान भी और भगवान भी। इस रुपए से मुझे एक बेटा खरीद कर ला दो, मेरा सुरेंद्र वापस ला दो। दुर्गा, ये मत भूलो कि मेरा भी बेटा था। नहीं सर श्री देशबंधु जगरतन जी, वो सिर्फ मेरा बेटा था। तुम्हारी बेईमानी ने मेरे इकलौते बेटे की आहुति ले ली, ये मंत्री की कुर्सी मेरे बेटे को खा गई। मैं इस कुर्सी को श्राप देती हूं, मैं सुरेंद्र की मां इस कुर्सी को श्राप देती हूं कि जब भी कोई देशद्रोही इस कुर्सी पर बैठकर आवाम से गद्दारी करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। बाबूजी आपका इंतजार हो रहा है। रुको, तुम्हारे हाथ मेरे बेटे के खून से रंगे हैं, तुम उसकी अर्थी को कंधा नहीं दोगे। वो एक देशभक्त था, कोई देशद्रोही उसकी चिता को आग नहीं देगा। मैं उसकी चिता का अपमान नहीं होने दूंगी। मूरख निकले तुम लोग, मूरख। वासुदेवन को मारने गए थे और ठंडा कर दिया जगरतन के सुपुत्र को। उधम मचाएगा, वो इकलौता बेटा था। तैयारी तो पूरी वासुदेवन की थी, सुरेंद्र तो इत्तेफाक से मारा गया। इत्तेफाक, ये शब्द मुझे पसंद ही नहीं है बंधु। दो चार अगर तुमने ऐसे इत्तेफाक कर दिए तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। हो सकता है जगरतन इंक्वायरी कमीशन बिठाए जिससे स्पारिंग को खतरा हो सकता है। इंक्वायरी कमीशन तो खैर खरीदे जा सकते हैं, वैसे भी आज तक यहाँ कौन सी इंक्वायरी कामयाब हुई? 10-20 बैठके बैठेंगी, 10-20 लाख रुपया खर्च होगा, बात आई गई हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? सावधान रहना चाहिए प्रिय मित्र, सावधान। क्या प्रोग्राम में कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल नहीं, हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल तब्दीली नहीं होगी।
और तब्दीली होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस देश में एक हलचल मचा दो, जो बिक सकता है उसे खरीद लो और जो नहीं बिक सकता उसे हटा दो। वही तो हम कर रहे हैं प्रिंसेस। लेकिन इससे पहले ये फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के भेजे हुए अग्रीमेंट पर साइन हो जाने चाहिए। अवश्य हो जाने चाहिए। रिंग मास्टर, इसमें क्या लिखा है? वही जो सामान्य रूप से ऐसे समझौतों में लिखा रहता है कि कुर्सी हमारी होगी, मर्जी इनकी, हुकूमत हमारी होगी, हुकुम इनका चलेगा, इनके मित्र हमारे मित्र, इनके शत्रु हमारे शत्रु, इन्हें जो चाहिए वो हम देंगे, हमें जो चाहिए वो ये देंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कोई आपत्ति मित्र? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। यूं ही नहीं पूछना चाहिए मित्र शिव कुमार। अब एक काम करो, इन कागजात पर अपने मित्रों के हस्ताक्षर लो और ये फाइल मुझे वापस कर दो। ओके। प्रिंसेस? Yes? Yes, sir. Prema, अंदर आना। Yes, right away, sir. हाँ पुत्री, इस ब्रीफकेस को संभाल कर सेफ में रख देना, मैं महामंत्री से मिलने जा रहा हूँ। ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल कर। टीपी, तुम कब आए? अभी आया। अब क्या करें, स्वीट डिश खाने की आदत जो पड़ गई है। टीपी नो। क्यों? प्लीज। व्हाई? आई एम वेरी बिजी टीपी। ओफो, बिजी। सुनो, इस बैग में क्या छुपा रखा है? ये बॉस का बैग है। अच्छा, जरा देखो तो इसमें कितना माल है। टीपी गलत बात मत करो। तो मैं चुरा थोड़ी लूंगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी देखना चाहता हूँ कि टीपी देशभक्तों की बैग में होता क्या है। कभी मौका नहीं मिला ना, यहाँ से खुलता। टीपी 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 तुम्हें मेरी कसम, टीपी सुनो। नहीं होगा। अरे ये क्या चोरखाना? और उसमें फाइल, किसी की पर्सनल फाइल। यानी कुछ तो है जिससे पर्दादारी है। टीपी, किसी की पर्सनल फाइल पढ़ना जुर्म है, जानते हो? मैं जानता हूँ, पर जरा देखो तो देखो, सही। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, जरा देखो तो सही कि इन धुले धुलाए स्त्री किए हुए आदमी को एक जासूसी नावल के किरदार की तरह हरकत करने की जरूरत क्या है। एक ही इंसान के दो चेहरे। अच्छा, बाहर से देश प्रेमी और अंदर से देशद्रोही। मैं जागृतन बोल रहा हूँ। देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है जागृतन जी, और हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो। मैं सुन रहा हूँ। मैं एक एटम बम पे बैठा हूँ, और जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो बात देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी और अहम है। मगर आप हैं कौन? मैं कोई भी हो सकता हूं, और ये फोन मैं महामंत्री जी को भी कर सकता था, मगर आपने अभी अभी अपना बेटा खोया है, और आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि उस जहाज के हादसे के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। किन किन लोगों का हाथ है? वो सारे नाम एक फाइल में लिखे हुए हैं। वो फाइल कहाँ है? नेचुरली मेरे पास है। तो दे दो मुझे। लेकिन एक छोटी सी समस्या है जागृतन जी, मैं एक खानदानी गरीब आदमी हूं, मुझे देश से प्यार तो है लेकिन गरीबी से थोड़ा बोर हो गया हूं। आप तो बड़े आदमी हैं, करोड़ों में खेल लेते हैं, मेरी मांग सिर्फ 10 लाख है। और अगर फाइल में ये सब कुछ ना निकला तो? फाइल में सब कुछ मिलेगा जागृतन जी, सब कुछ, वो जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप आ जाइए। ना, ना।
मैं नहीं आऊंगा, आएंगे आप और वो भी अकेले। ध्यान से सुनिए, कुतुब मीनार के करीब अहिंसा स्थल जहां महावीर स्वामी की बड़ी मूर्ति है, वहां पर। अच्छा, टीपी के पास फाइल तो नहीं मिली सर, मगर माल बहुत मिला। लगता है फाइल किसी हाथ बेचती। किसके हाथ बेचती? मेरे हाथ। स्वागतम प्रिय मित्र। आज तुम्हारा मित्र कहकर पुकारना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोहनलाल। क्यों, क्या हुआ बंधु? मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तुम इतनी नीच और जलील हरकत भी कर सकते हो। तो सोचना चाहिए था ना प्रिय मित्र, तुम लोगों में यही तो खोट है, सोचते नहीं हो। शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। जो आदमी देशबंधु कहकर पुकारा जाता रहा हो, क्या वही देशबंधु देश के साथ गद्दारी भी कर सकता है? तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है मित्र, मैं गद्दारी नहीं कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं। व्यापार? और व्यापार तो तुम भी करते हो, अव्वल दर्जे के बेईमान आदमी है। हाँ, मानता हूं कि मैंने बेईमानी की, जरूर की, लेकिन लेकिन उसका फल भी पा लिया। मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया। फिर भी मुझे भाषण दिए जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम बेईमानी और गद्दारी में फर्क नहीं समझते। मैंने मैंने आज तक अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की और नहीं करूंगा। मोहनलाल, देश देश तो मां होती है, और तुम अपनी मां को बेच रहे हो। याद रखो, अपनी इस हरकत पर तुम्हें रोना पड़ेगा। आज बहुत दिनों बाद दिल खोल कर हंस रहा हूं। एक बेईमान आदमी ईमानदारी का उपदेश दे रहा है। उपदेश नहीं, सलाह दे रहा हूं। और अगर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी तो मैं खुद संसद में जाकर बयान दूंगा कि तुम एक खतरनाक जासूस हो, एक गद्दार हो, एक देशद्रोही हो। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। अरे देशबंधु मोहनलाल गुप्ता के खिलाफ तुम्हारी बात मानेगा कौन? मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बेनकाब करके रहूंगा मोहनलाल। कैसे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ, और फिर वो फाइल जो तुम्हारे सारे राज फाश कर देगी। तो फिर कीमत लगा लो, जिंदगी भर देने के लिए तैयार। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी जिंदगी पर। पछताओगे। मैं कहता हूँ तुम पछताओगे। प्रिय मित्र, मैं फिर कहूंगा, गांधी जी के तीसरे बंदर की तरह अपना मुंह बंद रखो। मोहनलाल, तुमने शायद चौथे बंदर की ताकत नहीं देखी जो अपने देश में मर मिटा था, जिसने आज से 40 साल पहले अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंका था। I say get out and get lost। जा रहा हूं, इसी वक्त वो फाइल महामंत्री को देने के लिए जा रहा हूं। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। दयाल, ऊपर आओ। दयाल,
जगरतन वो फाइल लेकर महामंत्री के पास जा रहा है। यस सर। बोल दयाल। कार में फाइल नहीं मिली। फाइल नहीं मिली? नहीं। और जगरतन? उसे अस्पताल ले गए हैं, पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। जी। ये इमरजेंसी केस है, आप इन्हें जल्दी से ऑपरेशन के लिए तैयार कीजिए, मैं डॉक्टर पावरी को फोन करके आता हूँ। ओके, क्विक। बाबूजी। शबनम। बाबूजी आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सब रहने दो। सुनो जी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस नर्स को यहां से बाहर भेजो। जो मैं तुझे देने जा रहा हूं वो सिवाय उम्र के और किसी को नहीं देगी। मैं कसम खाती हूं बाबूजी। जीते रहो बेटी, जीते रहो। देख, मैं मेरी जैकेट की जेब में एक चाबी है, उसे उसे बाहर निकाल। ये कुंजी मेरी और तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारी है जी। इसे इसे अमर को दे देना जी। और कहना ये कुंजी। क्या क्या कहूं बाबूजी, क्या कुंजी है, कहां की है बाबूजी? हेलो अमर, तुम फौरन अस्पताल चले आओ। तुम रो क्यों रही हो? बाबूजी का इंतकाल हो गया। कैसे? उनका तुम्हारे लिए बहुत जरूरी पैगाम है, प्लीज फौरन चले आओ। देखो, इन चीजों में कोई काम की चीज तो नहीं है। सब बेकार की चीजें हैं। चलो साहब जी, वैसे अपना देश तो भगवान जी की कृपा से ही चल रहा है, वरना कानून नाम की तो कोई साली चीज रही नहीं गई है अपने देश में जी। अभी ये महामंत्री जी के बंगले के ऐन सामने एक एक्सीडेंट होया था। अब मेरे हिसाब से तो एक्सीडेंट था ही नहीं जी, वो तो कत्ल था जी, 100% कत्ल। कत्ल? हाँ जी, यहीं पर यहाँ हुआ था जी, और मैं यहाँ खड़ा था अपनी टैक्सी के पास। एक बेचारा शरीफ आदमी अपनी गड्डी में सामने से आ रहा था, अपनी साइड में था जी, और दूसरी तरफ से आ रहा था एक ट्रक वाला। उस साले ने आप देखा ना ताव, गड्डी के ऊपर चढ़ा दिया जी ट्रक। ओहोर साईदा, फिर पता नहीं कहां से जी एक वो स्कूटर वाला आ गया, उसने गड्डी के बीच में दे मारे जी। ओह, गड्डी तो ये पिचक के रह गई जी एकदम। मैं तो खिसक गया जी वहां से। अब कहां, अब गवाहियों के चक्कर में रहना जी। हम ठहरे मजदूर आदमी, अब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कहां भुगतते रहे जी अपना। पता नहीं था कौन बेचारा, पर मारे गया होना जी वो पक्का। मंत्री था, मर गया। ओहो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? बेहोश हो गई हैं। लगता है किसी ने इन पर हमला किया, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने उससे हाथापाई की और उस हाथापाई में बेहोश हो गए। होश कब आएगा? आई कांट सी, सर पे चोट आई है, चेकअप के लिए ले जा रहा हूं। ओह माय गॉड, क्या कहा तुमने पुत्र? हत्या? कत्ल? असंभव। जग रतन जैसे देशभक्त की हत्या कौन करेगा? ये तो मालूम नहीं अंकल, मगर है हत्या ही, और उसका एक चश्मदीद गवाह भी है। गवाह? शाबाश पुत्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कौन है गवाह? है एक टैक्सी ड्राइवर, बलदेव सिंह।
टैक्सी का नंबर तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, DLT 5996। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले। जगरतन ने शबनम से कुछ कहा तो उस पर हमला हुआ। बलदेव सिंह टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि जगरतन का एक्सीडेंट नहीं कत्ल हुआ और वो उसका चश्मदीद गवाह है, तो उसे भी कत्ल कर दिया गया। मेरा सवाल कुछ और है। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि जगरतन मारे क्यों गए, उनका कत्ल क्यों हुआ, why was he murdered? इस वक्त तो हम सब गहरे हैं मेरे में हैं और रोशनी की बस एक ही किरण है शबनम। सारे सवालों का जवाब उसी के पास है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक शबनम होश में नहीं आती उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बीपी कितना है? अभी तक लो ही है। ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? ये नहीं कह सकती, शायद दिमाग पर बहुत चोट आई है, ठीक होने में देर लग सकती है। यहां के डॉक्टर अपने कली को ठीक से नहीं। साइलेंस, तेरी घड़ी इतनी आवाज क्यों कर रही है? मैंने तो घड़ी बांधी नहीं। क्या हुआ? अमर क्या कर रहा है? बत्ती किसने बुझाई? शबनम, तुम कौन हो? मैं रफीक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने अस्पताल में हो शबनम? मैं रफीक हूँ। रफीक? रफीक? शबनम को होश आ गया। क्या? क्या शबनम को होश आ गया? जी जनाब। तो इसका मतलब यह है कि उसने अमर को सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, अमर पर नजर रखनी होगी। ठाकुर, यह काम तुम्हारा है। अमर क्या करता है, कहां जाता है, यह जानना जरूरी है। ठीक है। शबनम, जब तुम पर हमला हुआ तुमने किसी को देखा? कहां ना अंधेरा था। अमर, यह तो मुझे नहीं मालूम कि तुमने उस सिलेंडर वाले को देखा या नहीं, मगर मैंने उस कमबख्त को अच्छी तरह से देख लिया। देखा तो मैंने भी है। इस वक्त यह जरूरी नहीं है कि शबनम पर दोबारा हमला क्यों हुआ, इस वक्त यह जरूरी है कि जगरतन अंकल ने शबनम से क्या कहा। उन्होंने मुझे कुंजी दी और कहा था वो मैं तुम्हें दे दूं। कहां है वो कुंजी? अभी भी तो मेरे पास नहीं है। ये वो चीजें हैं डॉक्टर जो हमले के बाद आपके पास पड़ी मिली। थैंक यू, तुम जा शकीला। ओके। कुंजी तो नहीं है? देखें, लगता है ले गए होंगे वो कमीने। गलत, अगर कुंजी उनके पास होती तो शबनम को जान से मारने की कोशिश ना करते। मेरे ख्याल में कुंजी वही होनी चाहिए, उसी कमरे में जहां पर शबनम पर हमला हुआ। लेट्स गो, कम ऑन। ये रहा वो कमरा। रफीक, तुम यही ठहरना, किसी को अंदर मत आने देना। चाबी तो यहां है नहीं।
ये तो नहीं? हाँ, ये तो है वो चाबी। लेकिन ये चाबी है कहाँ की? मैं जानती नहीं, कुछ भी कहने से पहले बाबूजी। चाबी तो मिल गई सर। हाँ अमर, लेकिन इस चाबी ने ताले खोलने के बजाय और कई ताले बंद कर दिए। ये चाबी कहां की है, इसके पीछे क्या राज है, जगरतन के मौत के साथ इसका क्या ताल्लुक है, ये सब सवाल बेजवाब रह गए। ये चाबी सवाल है, ये चाबी जवाब है। आप इस चाबी को पहचानती? देखो तो, घर के तो किसी ताले की नहीं है, ऊपर ऑफिस में जाकर देखो। मैं देख के आता हूं, चलो सुषमा। हाय कैप्टन। हेलो ठाकुर सर। आओ ठाकुर। नमस्कार। जी तेरा। आपके लिए चिट्ठी लाया हूं, आज ही ऑर्डर निकलवा लिया है, अब आप जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं। नहीं, जब घर वाला ही नहीं रहा तो फिर घर में रहकर क्या करूंगी, इनके श्राद्ध के बाद मैं चली जाऊंगी। नहीं आंटी, वहां नहीं मिली। अच्छा, तो शायद बड़े दफ्तर की हो, वहां देख लो। नमस्ते। नमस्ते। जी दी, अगर चाबी लग जाए तो मुझे भी बता देना। क्या बात है माँ जी, ये चाबी कैसी? अरे कुछ नहीं बेटा, अमर एक चाबी लेकर घूम रहा है जो कि इन्होंने आखिरी वक्त में शबनम को दी थी कि अमर को दे देना, और अमर को उस कुंजी का ताला ही नहीं मिल रहा। घर के तो सारे ताले देख लिए, शायद बड़े दफ्तर की हो। मैं अंदर आ सकता हूँ? ठाकुर साहब आइए, आइए ना, आइए। हेलो अमर। जनरल साहब। रिटायर जनरल को अमर, जनरल और रिटायर जनरल में बहुत फर्क होता है। असल में जनरल साहब तुमसे मिलना चाहते थे। मुझे बुला लेते अंकल, तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। आई एम ऑनर्ड सर। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? वैसे तो तुमने हमारे अंडर काम नहीं किया, फिर भी एक नाता तो बन ही जाता है, इसलिए तुम्हारे पास, तुम्हारे बारे में एक बात करने आया हूं। इट्स सो नाइस ऑफ यू सर, हुक्म कीजिए। अरे भाई वो कुंजी सरकार को दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुंजी? कौन सी कुंजी? अरे देखो भाई अमर, वो कुंजी जो जगरतन ने शबनम को दी और शबनम ने तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कुंजी। वो कुंजी तो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो कुंजी तो जगरतन जी ने सरकार के लिए नहीं मेरे लिए छोड़ी थी। भाई तुम सोच लो, तुमने जगरतन के ऑफिस की तलाशी ली, हो सकता है तुम्हें किसी सीक्रेट फाइल की तलाश हो, मगर इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए हो सकता है कि तुम मुल्क के खिलाफ स्पाइंग कर रहे हो, तुम पर जासूसी का इल्जाम भी लग सकता है और कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। हैव यू फिनिश्ड रिटायर्ड जनरल साहब? और कुछ तो नहीं कहना है सर? भाई मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा था। तो मेरी बात भी सुन लीजिए सर, वो कुंजी जगरतन अंकल की मौत का कारण बनी, उसी कुंजी की वजह से एक बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया, उसी कुंजी की वजह से शबनम पर दो बार कातिलाना हमले भी हुए, और उसी कुंजी की वजह से अब आप मुझे हमदर्दी में लपेट कर धमकी दे रहे हैं, यानी कि वो कुंजी बहुत कीमती है। तो फिर कीमत ले लो, 10 लाख हैं, 7 तरक्की का वादा, साल भर में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे। मैं मर सकता हूं रिटायर्ड जनरल साहब, मगर बिक नहीं सकता। अगर सिपाही बिकने लगे तो इस देश को भगवान भी नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी टू से सो। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। प्लीज गेट आउट। फिर से मूर्खता करा है तुम लोग। शिव कुमार जी, आपको मालूम होना चाहिए कि अमर की रगों में देशभक्त राम कुमार का खून है, जो बिक नहीं सकता और ना ही अमर खरीदा जा सकता है। लेकिन तोड़ा तो जा सकता है। ये हुई ना अकल की बात, जरा सीखिए इनसे आप। यू आर राइट प्रिंसेस, अमर बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? कैसे? ठाकुर ये रुपया लो और अमर के अकाउंट में जमा कर दो। इससे क्या होगा? उफ, आप बार बार अपनी मूर्खता का प्रदर्शन क्यों करते हैं? जाओ ठाकुर, अमर के अकाउंट में रुपया जमा करा दो। जी।
क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं है कैप्टन अमर कुमार, ये सर्च वारंट है। वारंट? हाँ, हम तलाशी लेने आए हैं। मगर ठीक है, तलाशी ले सकते हैं। चलो। साहब ये देखो, टॉप सीक्रेट फाइल। ये आपके पास कैसे आ गया? टॉप सीक्रेट फाइल? यस, यू जस्ट मार्क। ये देखो, एक दो, सब पूरी टॉप सीक्रेट फाइल है। ये नक्शा भी है, इसके ऊपर ट्रिप की पूरी पोजीशन भी मार्क की हुई है। ये आपके पास कैसे आ गया? ये पासबुक आपका है? जी हाँ। आपका ही है ना? जी हाँ, लेकिन लेकिन मैं बेकसूर हूं। ये तो आप अभी कोर्ट मार्शल में ही बताएंगे। कम ऑन, लेट्स गो। कैप्टन अमर, ये तस्वीरें तुम्हारी हैं? ये सब झूठ है सर, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। ठीक है, तुम जा सकते हो। Sit down, please. Colonel Zaidi, आप प्रोसिक्यूशन के तरफ से मेजर अनवर उमर का बयान सुन चुके हैं। मुलजिम के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए वो आपके सामने हैं। वो टॉप सीक्रेट फाइलें जो उनके कमरे से निकली, और वो बैंक अकाउंट जिसमें 1,318 रुपए का बैलेंस है। मुलजिम के पास ना तो इन फाइलें होने की कोई वजह है, और ना तो उसके बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम होने का कोई एक्सप्लेनेशन, और उसके ऊपर ये शर्मनाक तस्वीरें। क्या उसके वकील होने के नाते आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, इसके बचाव में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। कैप्टन अमर कुमार, तुम्हारा जुर्म पूरी तरह साबित हो चुका है, इसलिए यह अदालत कैप्टन अमर कुमार को हिंदुस्तानी फौज से बर्खास्त करने का हुक्म देती है। सरस्वती, ओ सरस्वती, जानते हो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? क्या किया है मेरे बेटे ने? अरे उसने हमें बर्बाद कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किल से कमाई हुई मेरी नेकनामी तबाह हो गई। मेरा बेटा और गद्दार, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे होश की दवा करो देश बंधु, जिसके अंदर मेरा दूध और तुम्हारा खून है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे खून पर यकीन हो ना हो, मुझे मेरे दूध पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा बेगुनाह है। पापू, मैं बेगुनाह हूं, बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके भारत में क्या बेगुनाह हमेशा सूली पर चढ़ते रहेंगे? हमेशा बेगुनाह सूली पर चढ़ते रहेंगे क्या? Thank you.
मैं लड़ते लड़ते हार गया हूँ सुषमा। हार गए हो? अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई हमें जीतनी है। हारा हुआ इंसान क्या लड़ेगा और क्या जीतेगा सुषमा? इम्तिहान के वक्त ही इंसान की परख होती है। ये वक्त राम कृष्ण अर्जुन गुरु गोविंद सिंह और अपने बापू सभी पर आया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने आदर्श छोड़े। अमर, आजादी के बाद आज देश को शहीदों की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। शहीद तो मैं पहले ही हो चुका हूं सुषमा, लेकिन ये अकेला शरीर क्या करेगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सीता, हर किस्म के बनवास में तुम्हारे साथ हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं बेटे। हम दोनों टूटे हुए हैं, हम साथ मिल गए तो शायद दो टूटे हुए आदमी मिलकर पूरा आदमी बन जाए। इस बेमकसद की जिंदगी से मैं भी तंग आ गया हूं। अब आजादी की लड़ाई हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। आप मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारी जमानत करा दी। बाहर में गई आपकी जमानत। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता। यह जानते हुए कि मैं निर्दोष हूं? बस ये समझ लो कि शहादत के कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता वो था जिसपे तुम शहीद हुए थे। मतलब यह हुआ कि कोर्ट मार्शल भी आप ही ने कराया था। कोर्ट मार्शल तो खैर मैंने नहीं करवाया, लेकिन कोर्ट मार्शल का फायदा उठाने का इरादा जरूर था। मैं चाहता हूं कि तुम रिंग में शामिल होने की कोशिश करो, उनका दोस्त बनकर। मतलब यह है कि कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, क्योंकि सरकार से खफा होने का तुम्हें पूरा हक है। मगर क्यों करूं मैं ये सब कुछ? क्या किया इस देश ने मेरे लिए? हां बरखुदार, देश की सेवा करने निकले हो, ये मत सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया, ये सोचो कि तुम देश को क्या दे रहे हो। लेकिन देखो बेटा, लड़ाई में कभी कभी ताकत से ज्यादा अकलमंदी की जरूरत होती है। जैदी साहब ने ठीक कहा है, मतलब इसी में है। तुम जाके गिरोह में शामिल हो जाओ। लेकिन कैसे शामिल हो जाऊं? मेरे पास वो कुंजी भी नहीं है जिससे मैं वहां जाकर दाखिल हो जाऊं। मगर तुम्हारे पास वो कुंजी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। देश से मोहब्बत, आवाम से प्यार, आजादी कायम रखने का इरादा। केवल चाबी मिलने से क्या होता है, इसका ताला मिलना भी तो जरूरी है। इतना तो पता चल गया चाबी किसी लॉकर की है। लेकिन वो लॉकर है कहाँ ठाकुर? उसका भी पता लगा रहे हैं प्रिंसेस। जल्दी पता लगाओ, क्योंकि अगर वो ताला हमने ना खोला तो स्पायरिंग की मौत है। हाँ, और उस लॉकर में एक फाइल है और हम सब की जान उस फाइल में है। आओ बेटी, आज भाई दूज है, भैया को टीका लगाना है। तुम्हारा भैया है कहाँ बेटी? तू आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरा सुरिंदर वापस आ गया। जीजी जान, माँ जी चिट्ठी है। देखना बेटी क्या लिखा है। ये इंश्योरेंस वालों की चिट्ठी है, बाबूजी की पॉलिसी के बारे में लिखा है। सक्सेशन सर्टिफिकेट भेजकर पॉलिसी का रुपया मंगवा लीजिए। अच्छा, मैं ठाकुर से कह दूंगी। ये लंदन से किसी मिस्टर गुप्ता का लेटर है, कहते हैं बाबूजी का लंदन के बैंक में 18 लाख पाउंड है और स्विट्जरलैंड के अकाउंट में 20 लाख डॉलर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, यही वो जहर है जो बाप बेटे दोनों को खा गया। ये तीसरी चिट्ठी डेली क्लब की तरफ से है,
बाबूजी ने वहां एक लॉकर ले रखा था। क्लब के लोग लिखते हैं कि आप मेमोरी कायम रखना चाहें तो बाबूजी की मेमोरी आपके नाम करवा दें, और अगर ना चाहें तो अगले महीने तक लॉकर खाली करवा दें। बेटी तू ही जाकर अपने सामने ये लॉकर भी खाली करवा दे। जी चाची जी, कुंजी तो दीजिए। मुझे मेंबरशिप के बारे में नहीं पता था, कुंजी कहाँ होगी मेरे पास। मैं ये रख के आती हूँ। बेटी जरा महामंत्री का टेलीफोन मिलाकर मुझे बुलाना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ तो फरमाइए दुर्गा देवी जी। बात तो असल में मेरे लिए मर जाने वाली है महामंत्री जी, लेकिन सच तो यह है कि मेरे पति एक बेईमान मंत्री थे। क्या? अपनी और हमारे बेटे की मौत से उन्होंने क्या कमाया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्या गंवाया उसका हिसाब इसमें है। इस कागज ने तो मेरी कमर तोड़ दी दुर्गा देवी जी। अगर जगरतन जैसा आदमी बेईमान हो सकता है तो कोई किस पर भरोसा करे। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन सियासत में बेईमानी कोई नई बात नहीं है सर। मगर मैं क्या करूं? मेरी प्रार्थना है कि इस बेईमानी से कमाई हुई दौलत से एक ऐसे स्कूल की स्थापना की जाए जहां ईमानदारी सिखाई जाए, शायद इसी से उनके गुनाह का प्रायश्चित हो सके। आप वाकई महान हैं दुर्गा देवी जी। देश की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरी आंखें खोल दी। नमस्ते दुर्गा भाभी। आदा। जीती रहो। क्या होगा इस देश का जहां सरकार चलाने वाले इस देश को बेचने में लगे हुए हैं। परंतु हुआ क्या श्रीमान जी? हुआ ये मोहनलाल जी कि जगरतन बेईमान निकला, ये रहे उसके कारनामे। श्रीमान जी ये जगरतन तो दुष्ट निकला। पर मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस देश को मरने नहीं दूंगा। तो आपका ख्याल है श्रीमान जी कि इसके पीछे किसी की साजिश? यकीनन, ये काम अकेले आदमी का तो हो ही नहीं सकता। हेलो, चीफ सेक्रेटरी को अंदर भेज दो। देश बंधु मोहनलाल जी, एक बार मुझे देश का सौदा करने वालों का पता तो लग जाए, फिर देख लेना। मे आई कम इन सर? यस कम इन। विजय कुमार, परचेस मिनिस्टर को सील लगा दो, ताला लगा दो परचेस ऑफिस को, और डिफेंस के सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दो। यस सर। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग, ओवर। स्पायरिंग स्पीकिंग, ओवर। क्या बात है सलोमी, ओवर। बात बहुत सीरियस है, ओवर। क्यों, क्या हुआ, ओवर। स्पायरिंग की जिंदगी खतरे में है और शायद हाई कमांड का राज भी फाश हो जाए, ओवर। ये तो बहुत बुरा होगा, क्या करना चाहिए, ओवर। रिंग मास्टर का सुझाव है कि अब तो प्लान 000 ही हमें बचा सकता है, ओवर। सोच कर जवाब दिया जाएगा, ओवर एंड ऑल। ये प्लान 000 किसी बड़े खतरे का अलाम लगता है। इसी को तो जानने के लिए तुम्हारा दुश्मन के कैंप में घुस जाना और भी जरूरी हो गया। यू आर राइट सर। चाचा जान। आओ आओ बेटी शबनम, आओ। आदाब। आदाब आदाब, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी की बात है चाचा जान, वो जो कुंजी थी ना उसका ताला मिल गया। मिल गया? हाँ। क्या कहा, सच्ची ताला मिल गया? मुबारक हो। अरे वाह। हाँ जनाब, ताला मिल गया, लॉकर नंबर 9 दिल्ली क्लब। दिल्ली क्लब? हाँ। अमा हम तो वहाँ के मेंबर है भाई। ताला मिल गया लेकिन कुंजी नहीं, और तुम उस क्लब के मेंबर हो। हाँ। ताले का खुलना जरूरी और कुंजी है नहीं, इसलिए रफीक ना तौबा कर भाई, सवाल ही नहीं उठता। अरे हम तो शबनम के सर पे हाथ रख के कसम खा चुके हैं कि अब हम वो धंधा नहीं करेंगे। अरे बेटा रफीक,
आदाब चचा। आदाब अर्ज़ है बेटा, शबनम के सर की कीमत वतन से तो ज्यादा है नहीं। ओ चचा, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी वतन की खातिर। ठीक है चचा, आपका हुक्म सर आंखों पर। जनाब ये चाबी है तो हमारे यहाँ की। क्या आप बता सकते हैं चाबी का लॉकर किसे दिया गया था? मैं जानता तो हूँ लेकिन बतलाऊंगा नहीं। क्यों? इसलिए जनाब कि ये एक राज है, अगर हम लोगों को बतलाने लगे तो हमारा कारखाना बंद हो जाएगा। ये एक ऐसा राज है जिसे या तो हम जानते हैं या वो जो लॉकर ले गया। इट्स एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल जेंटलमैन। मैं एक सरकारी आदमी हूं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड। ये कार्ड दिखलाकर तो आपने नक्शे ही बदल दिया ठाकुर साहब। आप एक मिनट यहां इंतजार करें, मैं सेठ से बात करके अभी हाजिर हुआ। जल्दी करो, लॉकर का नंबर है 9। तुम जल्दी से काम कर लो, मुझे घबराहट हो रही है। रफीक, नंबर 9 यहां है। शबो तो नाइट ऑफ करता हूं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब ये चाबी बहुत पुरानी है, रजिस्टर देखने पड़ेंगे। आप आइए मेरे साथ, आइए ना। चलिए। ये चाबी दिल्ली क्लब के लॉकर की है, दिल्ली क्लब गोल्फ लिंक न्यू दिल्ली। थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम वेलकम। Which side is the locker room? This way, sir. Thank you. Yeah? Rafiq, jaldi karo, koi aa raha hai. Hurry up. Thakur, to tu mujhe ye aitbaar dilana chahte ho? कि चाबी हमारे पास थी, ताला हमने खोला और फाइल कोई और ले गया। सवाल ये उठता है कि फाइल गई कहां और बंद ताले से कौन निकाल कर ले गया? जी मैं। तो वो फाइल तुम्हारे पास है? जी हाँ रिटायर्ड जनरल साहब, वो फाइल मेरे पास है। ये है वो फाइल। तो सरकार को क्यों नहीं दी? सरकार? कौन सी सरकार? वो सरकार जिसने मुझको जलील किया, मुझ पर गद्दारी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फौज से निकाल दिया। ऐसी सरकार के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। नेवर नेवर प्रिंसेस। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं फाइल किसी को देना नहीं चाहता। फिर? मैं तो फाइल बेचना चाहता हूं। रिटायर्ड जनरल साहब, कल आप मुझे खरीदना चाहते थे, मैं बिकना नहीं चाहता था, और आज मैं खुद बिकने आया हूं। फाइल तुम्हारे हाथ में है और हम तीन हैं, और तीनों के हाथों में पिस्तौल है। फाइल खरीदे क्यों, मारकर छीन क्यों ले? जनरल साहब, आप लोगों में अब वो बात नहीं रही, और ना ही मैं वो पहले वाला सीधा साधा अमर हूं। और आपकी जानकारी के लिए ये फाइल भी नकली है। तो फिर मुआवजे की बात कर लें। क्या लोगे? यही कोई 25 लाख और स्पाई रिंग की मेंबरशिप एनो बागनी। इस हाथ दाम दो, इस हाथ फाइल लो, बोलिए मंजूर है? प्रिंसेस, रिंग मास्टर को फोन कर ले। हेलो, सलोमी बोल रही हूँ रिंग मास्टर। फाइल अमर के पास है। ओ, ऐसी बात है। हाँ तो मेरे विचार से पुत्र को वहीं ले आओ। Thank you.
क्या हुआ? बात कुछ हो गया। क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूं? आजादी की जंग का एक नया रूप देख रहा हूं। मुझे यहां देखकर आश्चर्य तो जरूर हुआ होगा पुत्र। नहीं अंकल, मैंने आश्चर्य करना छोड़ दिया है। इतनी छोटी सी जिंदगी में आदमी कितना आश्चर्य करेगा? आश्चर्य तो मेरे पिताजी को होगा जो आपको बहुत ईमानदार समझते हैं। पुत्र, जिन दिनों में तुम्हारे पिताजी मुझे जाना करते थे, मैं ईमानदार ही था। स्वतंत्रता की लड़ाई मैंने लड़ी ईमानदारी से, वो युद्ध मैंने जीता ईमानदारी से, और ईमानदारी से जीने का इरादा भी था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मैंने देखा लोग अपने बलिदानों की कीमतें वसूल करने लगे। मैंने देखा गांधी टोपी सुकड़ गई है, छोटी हो गई है और छोटे छोटे सरों पर फिट आ रही है। इसलिए मैंने भी अपना सर छोटा कर लिया और बड़ा आदमी बन गया। पुत्र, इस देश में आदमी ईमानदारी से शहीद तो बन सकता है, अमीर नहीं बन सकता। इसलिए जिंदगी के साथ समझौता करना सीख लो। समझौता करना ना सीखा होता अंकल तो यहां आता ही क्यों? आपने सही फरमाया, ईमानदारी से आदमी शहीद तो बन सकता है लेकिन अमीर नहीं बन सकता। अंकल, मैंने भी फैसला कर लिया कि शहीद बनने की बजाय मैं भी आप ही की तरह अमीर बन जाऊं। गुड, निकालो वो फाइल। अंकल, अगर मुझे मालूम होता कि रिंग लीडर आप हैं तो फाइल मैं आपको घर पर ही दे देता। एनीवे, ये रही फाइल। गुड। स्पारिंग स्पीकिंग ओवर। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग ओवर। क्या फैसला किया आपने? ओवर। रिंग मास्टर का सुझाव ठीक है, प्लान 000 को अमल में लाया जाए, मगर यह काम 20 तारीख से पहले हो जाना चाहिए। ओवर एंड ऑल। कल साहब, ये सब क्या चक्कर है? यही तो जानने के लिए हमने अमर को वहां भेजा है। खतरा कुछ ज्यादा है क्या? हो सकता है। आप तशरीफ रखिए अमर साहब। थैंक यू। मिस्टर अमर जी, इस महीने की 18 तारीख यानी कि परसों के दिन स्पायरिंग का प्लान नंबर 000 अमल में लाया जा रहा है। स्पायरिंग का प्लान 000 क्या है? महामंत्री का कत्ल। और हमारा ये फैसला है कि ये काम तुम सर अंजाम लो। हाथ पांव भूल गए क्या? हाथ पांव क्यों भूलने लगे? मैं तो कभी भी किसी को भी मार सकता हूँ। लेकिन एक बात है अंकल, हमारे महामंत्री बहुत लोकप्रिय आदमी हैं। पुत्र, हम और हमारे विदेशी मित्र ये नहीं चाहते कि देश की बागडोर किसी लोकप्रिय आदमी के हाथ में हो। लेकिन अंकल, इससे देश में बगावत भी हो सकती है। जब हुकूमतें बदलती हैं पुत्र, तो बगावतें होती हैं। सोच लो, इन लोगों के इरादे बहुत खतरनाक हैं। अच्छा वो ना आ गया। क्या सोच रहे हो पुत्र? हमारे स्पायरिंग में सोचने की इजाजत नहीं दी जाती। या तो हुक्म की तामील हो, नहीं तो नहीं। पुत्री, हम अपने भेज जाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ सकते। मेरे देश और मेरे अवाम, मुझे माफ करना। मैं अमर कुमार वल्ल श्री राम कुमार कसम खाता हूं कि मैं महामंत्री को मार दूंगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। कब, कहां और कैसे मारना होगा ये तुमको प्रिंसेस बता देंगी। लेट्स गो प्रिंसेस। कल शाम जैनडू के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे। महामंत्री उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधा इंडिया आर्ट सेंटर आएंगे, जहां पर विदेशी मेहमान आर्ट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गवर्नमेंट ने मुझे एक डांस प्रोग्राम करने के लिए कहा है, और इसका फायदा उठाते हुए हम महामंत्री की हत्या कर सकते हैं। ये रहा थिएटर का मॉडल, यह रहा आर्ट सेंटर जिसका उद्घाटन होने वाला है। इस बॉक्स में महामंत्री, विदेशी मित्र और देशबंधु मोहनलाल बैठेंगे।
इस बॉक्स की बिल्कुल दूसरी ओर इस बॉक्स में तुम बैठोगे अमर। प्रिंसेस शायद आप भूल गई हैं कि मैं कोर्ट मार्शल किया हुआ आदमी हूँ, मेरा यहाँ पर पहुँचना वो मेरा जिम्मा है। कैसे? मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप यहाँ पर भेज बदल कर बैठेंगे। मेरा हथियार? ये रहा आपका हथियार। साइलेंसर भी लगा हुआ है, दैट्स नाइस। सर गौर से देखिए, हर बॉक्स के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे के पीछे छिपकर आप बात करेंगे। इशारा क्या होगा? डांस जब क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा तो ऑर्केस्ट्रा का एक बैंड होगा और ये होगा तुम्हारा इशारा। अगर निशाना चूक गया तो? हो सकता है निशाना चूक जाए तो दयाल तुम्हें कत्ल कर देगा। ओ। वैसे ऑडियंस में हमारे आदमी होंगे जो तुम्हें कवर करेंगे, बाय चांस अगर सब कुछ फेल हो गया तो मेरे ये खंजर चल जाएंगे। यू कैसा लगा हमारा प्लान? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। चलिए मैं आपका कमरा दिखा दूं। हाँ चलिए, पिस्टल ले लीजिए। आइए, ये रहा आपका कमरा, आराम फरमाइए। थैंक यू। अमर जी, एक दोस्त की हैसियत से कहूंगी, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। नेवर। हमारे कुत्ते बड़े खूंखार हैं और हमारे गार्ड्स गोली चलाने में कंजूसी नहीं करेंगे, यही कहना चाहती हूँ ना? स्मार्ट। बाय बाय। क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता। सेहती साहब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ना किया तो गजब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे जाना ही होगा। आई मस्ट गो, आई हैव टू गो। पहले ही शक था कि तुम सरकार की तरफ से भेजे हुए जासूस हो। मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी पुत्र। मुझे भी आपसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी अंकल, कि आप देशभक्त रामकुमार के बेटे को गद्दार बनाने की कोशिश करेंगे। दयाल, पुत्र को अंदर ले जाओ। मूर्ख, ताला लगा दो। कर्नल साहब, कर्नल साहब, अमर की क्या खबर? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जरूर वो किसी मुसीबत में फंसा होगा, है ना? कर्नल साहब, अमर है कहाँ? देखिए, हम सब उसके बारे में बहुत परेशान हैं। प्लीज कुछ बताइए। अगर अमर को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने उसे मौत के मुंह में धकेला है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? कल साहब, कल साहब, अल्लाह खैर करे, अमर खैरी से तो है ना? जिस रास्ते पे अमर चल रहा है उसमें खतरा तो लाजमी है, लेकिन इस वक्त वो कहां है, क्या कर रहा है, मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो बस आप लोगों की तरह दुआ कर सकता हूं कि वो सलामत लौट आए। कल साहब,
आपके पास सबूत हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप उस स्पायरिंग को गिरफ्तार करें। और अमर को मर जाने दूं? नहीं, नहीं। हेलो कैप्टन। हेलो। मैं तुम्हारे लिए ट्रांजिस्टर लाई हूं ताकि तुम अपने प्रिय महामंत्री के मर जाने की खबर और आंखों देखा हाल सुन सको। जिंदगी की घड़ियां गिनने के लिए ये घड़ी भी लाई हूं। ओके? दयाल, जो काम अमर ने करना था अब वो काम तुम करोगे। खाना लाया तुम्हारे लिए। भागने भागने की कोशिश नहीं करना वरना ये जो गर्दन है ना मरोड़ के रख दूंगा। महामंत्री ताजा हिंदुस्तानी फूलों की माला लिए मेहमान की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने मेहमान को माला पहनाई और खुशामदीद खुशामदीद गले मिल रहे हैं। विदेशी राजदूतों और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद शेख सईद बिन वलीद अब तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का परीक्षण कर रहे हैं। सुल्तान कार की तरफ जा रहे हैं जो उन्हें राष्ट्रभवन ले जाएगी जहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद इंडिया सेंटर का उद्घाटन करने के लिए वो उद्घाटन स्थान पर तशरीफ ले जाएंगे। लो भाई, तुम्हारी मौत का अलार्म भी बज गया। उधर महामंत्री की हत्या हुई, इधर तुम्हारी जिंदगी खत्म। ये कुछ नाश्ता लाया हो, मरने से पहले कुछ तो खा लो। Yeah!
फाइल। महामंत्री जी आप ठीक तो है ना? हाँ भगवान के। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। क्या बदतमीजी है ये? यस, इन द नेम ऑफ द लॉ एंड द कंट्री आई अरेस्ट यू। क्या कह रहे हो जाहिदी? यस सर, ये जासूसी गिरोह के रिंग लीडर हैं। मोहनलाल और इनसे सलोमी, इनकी विदेशी पार्टनर। यह हंगामे का दिन नहीं है भाइयों, मातम का दिन है, शर्म से सर झुकाने का दिन है। आज मोहन बाबू जैसे स्वतंत्रता के सेनानी, आजादी के मुजाहिद पर देश के खिलाफ गद्दारी करने का मुकदमा शुरू होने वाला है। एक रिटायर्ड जनरल मुजरिमों के कटेरे में खड़ा किया जाने वाला है, जो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कई मैदानों में बहादुरी के मेडल ले चुका है। मैं जानता हूं कि आवाम जब भड़कता है तो भगवान भी कांप उठता है, इसलिए मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं खुद इन मुजरिमों को लेकर देश की अदालत के हवाले कर दूं, वही इनके साथ इंसाफ करेगी। इन्हें इंसाफ नहीं, सजा चाहिए, सजा चाहिए। नहीं नहीं, हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, यहां सफाई का मौका दिए बगैर किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती। इस मुल्क के फैसले सड़क पे नहीं अदालत में होते हैं, और अदालत भी पार्लियामेंट की तरह आवाम का ही एक रूप है, इसलिए अदालत में भी फैसला दरअसल आप ही करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हमें अदालत में जाने का रास्ता दीजिए। मिस्टर मोहनलाल, आप और आपके साथियों पर यह इल्जाम लगाया गया है कि आपने महामंत्री को कत्ल करने की साजिश की और अपने देश के खिलाफ गद्दारी की। आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है जज साहब, यह तो एक राजनीतिक लड़ाई है जिसे शासन ने राजद्रोह कहकर जुर्म का नाम दे दिया है। सरकारी वकील अपना मुकदमा पेश करें। योर ऑनर, इस केस में सरकारी वकील मैं नहीं हूं। तो फिर कौन है? मैं हूं योर ऑनर। इस केस में सरकार का यानी आवाम का वकील मैं हूं। आप महामंत्री? मैं यहां महामंत्री की हैसियत से नहीं योर ऑनर, एक वकील की हैसियत से आया हूं। यह तो बड़ी नाजायज बात है योर ऑनर, महामंत्री सरकारी वकील बनके इस मुकदमे पे अपनी पोजीशन का दबाव डालना चाह रहे हैं। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता योर ऑनर, महामंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद ही मैंने यह गाउन पहना है। लेकिन योर ऑनर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि महामंत्री को इस केस से दिलचस्पी क्यों है। इसलिए योर ऑनर कि आज मेरे देश को महामंत्री से ज्यादा वकील की जरूरत है, आज फिर उसकी आजादी खतरे में पड़ गई है। मेरे फाजल दोस्त को शायद याद होगा कि पहले भी यह गाउन किसी ने पहना था, लाल किले में आजादी के परवानों को बचाने के लिए, और उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह केस बिल्कुल सीधा साधा है योर ऑनर। आजादी की जंग में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, आजादी मिलने के बाद उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी कुर्बानियों का दाम वसूल करना चाहा। जेल जाना एक किस्म का क्वालिफिकेशन बन गया, और पॉलिटिक्स एक व्यापार में बदल गया। इस पॉलिटिकल मंडी में एक व्यापारी उभरा जिसका नाम था मोहनलाल। आजादी की जंग में वो जेल गया था, उसे फांसी की सजा भी हुई थी, और जितनी बड़ी सजा उतना ही बड़ा फायदा। तो मोहनलाल देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, महामंत्री बनने के ख्वाब देखने लगा। योर ऑनर, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तभी से बाहरी ताकतें उसे कमजोर करने की कोशिश करती चली आ रही हैं, लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो यह है योर ऑनर
कि हमारे देशभक्त अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, विदेशियों के हाथों बिक रहे हैं। एक ऐसा ही देशभक्त है मोहनलाल, जिसने पॉलिटिकल ताकत के लिए अपने आप को बाहरी ताकतों के हाथों बेच दिया है। योर ऑनर, मोहनलाल और उनके साथियों ने एक जासूसी गिरोह बनाया जिसका नाम था स्पाई रिंग, और रिंग लीडर थे मोहनलाल। योर ऑनर, मैं कहता हूं ये लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे लोगों को इबरत हो। क्या बढ़िया भाषण दिया है हमारे महामंत्री ने, लेकिन वकील भी खुद और जज भी खुद, जुर्म भी साबित कर दिया और सजा भी तजवीज कर दी, खेल खत्म। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई मुकदमा तो है ही नहीं, ये तो एक राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि हमारे भूतपूर्व महामंत्री इस अदालत तक खींच लाए हैं ताकि एक ताकतवर विरोधी मोहनलाल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अगर ये बात होती तो इस केस का फैसला अदालत में आने से पहले आवाम के हाथों सड़क पे हो जाता। आपस में कीचड़ उछालने से बेहतर होगा कि मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। योर ऑनर, सरकार के पहले गवाह मिस्टर अमर कुमार। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों, क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यह मेरी पहली और सच्ची पहचान है, इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। प्रोसीड। आप मुजरे मोहनलाल और शिवकुमार वगैरह को जानते हैं? जी हाँ। कब से जानते हैं? यूं तो मोहनलाल को मैं बचपन से जानता हूं। यूं तो से क्या मतलब? असल मोहनलाल को तो मैंने यहां आकर जाना, बचपन से माता पिता से इनकी देशभक्ति की कहानियां सुना करता था। जब मेरी पोस्टिंग यहां हुई तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब तो दिल्ली में सिर्फ दो ही ईमानदार लोग रह गए हैं, एक वैशद अंसारी और एक मोहनलाल जी। और आप ठहरे भी उन्हीं के घर? जी हाँ। तो ये एकदम दिल्ली की पोस्टिंग कैसे हो गई? इंटरकोर के कर्नल जैदी ने मुझसे इंटेलिजेंस का काम लेना चाहा। पर आप तो इन्फेंट्री से हैं। जी हाँ। तो फिर इंटेलिजेंस से आपका क्या लेना देना, जरा साफ कीजिए। इसकी पहली वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि मैं इन्फेंट्री का हूं, मुझ पर यकायक ये शक ना हो कि इंटेलिजेंस की मुहिम पर मुझे लगाया गया है। और दूसरी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जगरतन के बेटे के साथ मेरी दोस्ती थी, इसी बहाने उनके घर पर आना जाना खुला रहता। एक सेकंड योर ऑनर, मैं गवाह को टोकना नहीं चाहता, मगर ये जगरतन का बेटा कहां से आ गया? इसी बेटे की वजह से तो इस किले का पहला दरवाजा तोड़ा गया। योर ऑनर, एयर चीफ मार्शल वासुदेवन के धोखे में अगर सुरेंद्र की मौत ना होती तो जगरतन साहब को यह भी खबर ना होती कि वो सिर्फ बेईमानी नहीं कर रहे थे बल्कि स्पाई रिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए थे। और अगर जगरतन साहब को स्पाई रिंग की खबर ना होती तो उनका कत्ल भी ना होता। योर ऑनर, इन बातों का भी इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरेंद्र, उनकी मौत एक हवाई हादसे में हुई और जगरतन जी एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और बलदेव सिंह वो टैक्सी ड्राइवर जो जगरतन जी की मौत का चश्मदीद गवाह था। चश्मदीद गवाह, जगरतन जी का कत्ल, ये कैसी कहानियां सुनाई जा रही हैं यार ना? ये कहानियां नहीं है वकील साहब, वासुदेवन के बदले सुरेंद्र मारा गया ये भी कहानी है, जगरतन मारे गए ये भी कहानी है, बलदेव सिंह मारे गए ये भी कहानी है, त्रिलोकी प्रसाद मारे गए ये भी कहानी है, प्रेमा मारी गई ये भी कहानी है, अरे दो बार कातिलाना हमला हुआ शबनम पर ये भी कहानी है। अगर ये सब कहानियां हैं योनर, तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत, हकीकत ये है कि आपके पास कोई सबूत है ही नहीं। सबूत है योनर, और सबूत है ये फाइल, ये जितने भी कत्ल हुए योनर इस फाइल की वजह से हुए, इसे मोहनलाल के सारे कारनामे मौजूद हैं, स्पाइरिंग के सब प्रोग्राम, सब भेद, इन्होंने क्या क्या किया, हिंदुस्तान को कैसे कैसे बेचा, सब कुछ मौजूद है योनर। अगर ये कहानियां हैं योनर, तो ये बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं। कहानी क्या है और कितनी दर्दनाक कहानी है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। हकीकत यह है कि मोहनलाल बेगुनाह हैं और इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। अरे इनका तो नाम तक फाइल में नहीं। मोहनलाल के खिलाफ सबूत मैं हूं, मैं सबूत इस बात का कि उन्होंने अपने देश के खिलाफ साजिश की है। मैं सबूत हूं इस बात का कि उन्होंने खुद फाइल मुझसे खरीदी।
मैं सबूत इस बात का कि उन्होंने खुद मुझे महामंत्री का कत्ल करने के लिए कहा। योर ऑनर, मैं अपने देश, अपने हिंदुस्तान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा है, पूरा सच कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। सो हेल्प माई कंट्री। योर ऑनर, इनकी बात मैं कैसे मान लूं, क्योंकि जो शख्स शहादत दे रहा है वो खुद सजा याफ्ता है, फौज से निकाला गया है, कोर्ट मार्शल किया हुआ मुजरिम है। ये सजा याफ्ता जरूर है लेकिन मुजरिम नहीं है। और आप कौन है जो इस तरह से बीच में कूद पड़े? योर ऑनर, ये कर्नल मुस्तफा जायदी हैं, सरकार के दूसरे गवाह। सरकारी गवाह हैं तो इन्हें कोर्ट के तौर तरीके सिखाइए, बयान दिलवाना है तो इन्हें कटहरे में लाइए। थैंक यू मिस्टर अमर कुमार। आइए कर्नल साहब, आप भी आए। तो कर्नल मुस्तफा अली जैदी साहब, आपका यह कहना है कि अमर कुमार सजा याफ्ता तो है पर मुजरिम नहीं? जी हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक आदमी जिसका कोर्ट मार्शल हो चुका हो वो मुजरिम नहीं? क्योंकि मुझे मालूम था कि अमर को फंसाया गया था। ये आपको किसने बताया? जी मुझे अमर ने ही बताया था। अमर ने बताया? जी हाँ। और महामंत्री के कत्ल की साजिश, इसके मुताबिक आपको कैसे मालूम हुआ? ये भी मुझे अमर ने बताया। अमर ने बताया? तो कर्नल साहब, ये तो आपकी बड़ी ज्यादती होगी कि आप हमसे ये तवक्को फरमाएं कि एक अमर कुमार जैसे साबित शुदा सजा याफ्ता गद्दार की बात को हम सच मान लें। आप मानिए ना मानिए, मैंने इसे सच माना और नतीजे में महामंत्री की जान बच गई। तो फिर कर्नल साहब, क्या यह भी सच है कि आपका बेटा सैयद मुर्तजा अली जैदी पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में है? योर ऑनर, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मेरा बेटा क्या करता है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वो पाकिस्तान का शहरी है, मैं हिंदुस्तान का, और हमारे दोनों के बीच में 14 अगस्त 1947 की दीवार है। वो वहां अपने वतन का वफादार है, मैं यहां अपने वतन का। जी, मैं समझ गया, मतलब यह कि आपके खानदान में एक दोहरी वफादारी चल रही है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आपके पास इनके मुजरिम होने का कोई सबूत नहीं। ये सब कहानियां हैं, खूबसूरत पर कहानियां। हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इन्फेंट्री का एक कैप्टन अपनी पोस्टिंग पर दिल्ली आता है और मोहनलाल जी की सिफारिश से जगरतन जी के यहां पीए बना दिया जाता है। पीए बनकर उसका सबसे पहला काम यह होता है कि मोहनलाल की इकलौती बेटी पे वो आशिक हो जाए और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगता है। जगरतन जी की मौत के बाद वो एक और ड्रामा खेलता है, एक हंगामा करता है। जगरतन जी एक चाबी छोड़ गए थे, वो उस चाबी को कैश करने की कोशिश करता है और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर महामंत्री के राइवल मोहनलाल को फंसाने की कोशिश करता है और एक फर्जी फाइल बना देता है, यानी कि जिन जिन लोगों ने उसको प्यार दिया था उनको तबाह करने पर तुल जाता है। मोहनलाल देशभक्त है, वो इस देश के भविष्य हैं। तो अमर कुमार गवर्नमेंट के साथ मिलकर और कर्नल जैदी की मदद से एक ऐसा जाल फैलाता है कि जिसमें असलियत की मौत हो जाती है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। क्या बात है? मैं कुछ कहना चाहता हूं। मिस्टर ठाकुर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका बयान आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल कीजिए, जरूर इस्तेमाल कीजिए। मार डालिए मुझे, फांसी लगा दीजिए, मैं इसी काबिल हूं। योर ऑनर, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ इस फाइल में लिखा बिल्कुल सच है। मैं कसम खाता हूं कि स्पायरिंग का लीडर है यह मोहनलाल, महामंत्री को मार डालने की साजिश की मोहनलाल ने। मैं कसम खाता हूं कि मोहनलाल ने इस देश को विदेशियों के हाथ बेचकर खुद महामंत्री बनना चाहा। मैं कसम खाता हूं कि मोहनलाल के कहने पर मैंने अमर के अकाउंट में 1,00,000 रुपया जमा करवाया। मैं कसम खाता हूं योर ऑनर के मोहनलाल के मजबूर करने पर मैंने अमर के बिस्तर पर लड़की भेजी। मैं कसम खाता हूं कि मोहनलाल के कहने पर और इस जनरल की मदद से मैंने टॉप सीक्रेट फाइल अमर के कमरे में रख दी और इन सब की मदद से अमर का कोर्ट मार्शल करवाया ताकि जगरतन की दी हुई चाबी हम हासिल कर सकें। ये तो हिंदुस्तान की खुशकिस्मती थी योर ऑनर के फाइल अमर के हाथ लग गई और आज हमारे गुनाह साबित करने के लिए यहां मौजूद है, वरना इस मुल्क का, इस देश का क्या होता शायद भगवान ही जानता। योर ऑनर, सरकार ने गवाह भी कितने छटे हुए पेश किए हैं। नंबर एक, एक फौज से निकाला हुआ सजा याफ्ता कैप्टन अमर कुमार। नंबर दो, कर्नल जैदी जिनकी हर बात गलत और बेबुनियाद।
मनगढ़ंत और फर्जी और इसलिए नाकाबिले एतबार। और अब ये ड्रामा बाज खरीदा हुआ गवाह आपने देखा कितनी जल्दी इस कटहरे से उस कटहरे में आ गया। मगर योर ऑनर, आई एम सॉरी सर, मैंने अपनी बात अभी खत्म नहीं की है। सॉरी योर ऑनर, मेरा सवाल अब तक अपनी जगह पे है कि इन लोगों के मुजरिम होने का है कोई ठोस सबूत? कानून सबूत मांगता है और अभी तक तो कोई ऐसा सबूत मिला नहीं जिससे इनको गुनाहगार ठहराया जाए। मैं पूछता हूं कि है कोई ऐसा आदमी जिसने मोहनलाल को कोई ऐसी हरकत करते हुए देखा हो जिसे आप गद्दारी कहते हैं? योर ऑनर, चूंकि सरकार के पास इन लोगों के मुजरिम होने का कोई सबूत नहीं, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस बेबुनियाद मुकदमे को डिसमिस करे और इन मुअज्जिज हस्तियों को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे। जनाब वकील सफाई, इन्हें बरी करने से पहले मेरी भी एक बात सुन लीजिए। आप कौन हैं? हुजूर, मुझे वैशत अंसारी कहते हैं। मैंने मोहनलाल के साथ अपने वतन की जंग आजादी में हिस्सा लिया था। मोहनलाल के साथ मुझे भी अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा दी थी, इसलिए मोहनलाल के खिलाफ चलने वाले मुकदमे पर मुझे हक साबित है। योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? ये कोई रंगमंच है कि जिसका जी चाहा एंट्री ली और बोलना शुरू कर दिया? ये हजरत कोई भी हो मगर ना तो सरकार के गवाह है ना सफाई के। हुजूर, मैं अवाम का गवाह हूं और अवाम हर सरकार से बड़ा है, हर वकील सफाई से भी बड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? हुजूर, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि कानून आपकी ताकत भी है और माफ कीजिए मजबूरी भी। मैं तो मोहनलाल से यह पूछना चाहता हूं, क्या वो गीता कुरान और खाके वतन पर हाथ रख के कह सकता है कि ये वही मोहनलाल है जिसे 1942 की जंग आजादी में फांसी की सजा हुई थी? क्या तुम जमीर पर हाथ रख के कह सकते हो कि तुम बेगुनाह हो? माफ कीजिएगा, आप मुल्जिम से यह सवाल नहीं पूछ सकते। वकील साहब, मैं मुल्जिम से नहीं उसके जमीर से पूछ रहा हूं। जज साहब, इस अदालत में झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की कोशिश में इंसाफ का सफर लंबा होता जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह मुकदमा कायमत तक चलता ही रहेगा। लेकिन जज साहब, कभी कभी सजा इंसाफ का इंतजार नहीं करती और आज का दिन एक ऐसा ही दिन है, इसलिए मैं वहशत अंसारी अपने दोस्त मोहनलाल को अवाम की तरफ से सजाए मौत। नहीं।